हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी के सारे सेमेस्टर के पेपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपका होने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड पार्ट जो है यानी कि सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका आपको मैं सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ ठीक है उसका आपको सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022-2023 में जो पेपर हुआ था यानी इसके पहले साल जो पेपर हुआ था वो पेपर है इस इस ये पेपर मैंने यूनिवर्सिटी नहीं लिखी है कि किस यूनिवर्सिटी का है और इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप सब इस पेपर को करें और आपको पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है होपफुली अगर आप आपने कोई तैयारी बहुत अच्छे से की है तो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वह आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे बहुत अच्छे से करेंगे ठीक है पेपर का नाम क्या है आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स तीन पार्ट में ये पेपर टूटा हुआ है मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है केवल और केवल यूनिट सेवन आपको मैंने नहीं पढ़ाया है बाकी पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ठीक है इसमें पहला जो पार्ट है अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो टाइमिंग मैक्सिमम टू आवर्स आपको दिए गए हैं दो घंटे में पेपर करना है मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो ट्वेंटी सेवेंटी फाइव मार्क्स में कंप्लीट करना है ठीक है पहला सेक्शन जो है आ, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसमें आपको ऑल सेक्शन करने हैं जैसा कि डायरेक्टेड है आपको जैसा आपको बताया जाएगा सभी खंड निर्देशानुसार आपको करने हैं जैसा कि आपको बताया जाएगा ठीक है कैंडिडेट्स रिक्वायर्स आंसर इन सीरियल ऑर्डर आंसर आपको सीरियल ऑर्डर में देना मतलब पहले के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ठीक है इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर देम इन कॉन्टीन्यूएशन अगर कई सारे पार्ट्स हैं ए बी सी तो उसको भी उसी कॉन्टिन्यूएशन में आप ए पहले बी पहले ए फिर बी फिर सी इस तरीके से आप देंगे ठीक है यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शन है नो बी कॉपी प्रोवाइडेड क्योंकि थर्टी टू पेजेस होते हैं जहाँ तक तो मुझे पता है और थर्टी टू पेजेज मोर देन इनफ होते हैं आपकी राइटिंग के लिए ठीक है आप उतना ही भर दीजिए आप उतना ही कर लीजिए दैट्स इनफ ठीक है तो उतना आप कर लीजिए यहाँ पे अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए की जो है वो कंपल्सरी है सारे क्वेश्चन उसके करने हैं और हर क्वेश्चन फाइव मार्क कैरी करेगा मतलब एक क्वेश्चन पे पाँच मार्क तो टोटल आई थिंक थर्टी मार्क्स इनको दिए जाएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा के बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ भी बता दूँ अगर थोड़ा सा सेंट्रल डोगमा क्या होता है डीएनए से क्या बनता है डीएनए से बन बनाते हैं आप आर किस प्रोसेस के थ्रू डी से बनता है आर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ठीक है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और आर से फिर क्या बनता है प्रोटीन प्रोटीन ठीक है और प्रोटीन फिर क्या होता है आगे ट्रांसफर होता है और डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है रेप्लीकेशन ठीक है रेप्लीकेशन ये जो प्रोसेस है इसी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन के थ्रू ठीक है और आगे यही प्रोटीन क्या होता है काम करता है और डीएनए से डीएनए का बना रेप्लीकेशन कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है इस प्रोसेस को आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के आगे लगा देंगे रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग बी आपका क्वेश्चन जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है और आप साउर्न ब्लॉटिंग सॉरी नदर्न सान ब्लॉटिंग नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं प्रोटीन का डिटेक्शन प्रोटीन के बारे में पता लगाते हैं और ये मैंने आपको डिटेल में बताया ठीक है थर्ड आ गया आपका आर एन ए ठीक है आर एन ए क्या होता है जब मैंने आपको रेप्लीकेशन आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो ट्रांसक्रिप्शन में आर एन ए पॉलीमरीज के बारे में बताया था कि ये डी एन ए होता है आपका डी एन ए से आके इस तरीके से आर एन ए बाइंड करता है और ये आर एन ए पॉलीमरीज फिर डी एन ए को क्या करता है खोलने को खोलने का काम करता है फंक्शनल यूनिट होता है उसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मीटर अब पीएच मीटर मैंने आपको नहीं पढ़ाया बस यही एक यूनिट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ कि क्या होता है पीएच मीटर के बारे में बताया गया वर्किंग प्रिंसिपल इसको पोटेंशियोमेट्री भी कहते हैं पीएच मीटर को किस नाम से जाना जाता है पोटेंशियोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है ये मेजरमेंट करता है किसका सोलूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज का ठीक है रिमेंबर हाउ एसिडिक सोल्यूसन कैन एफिशियंटली कंडक्ट एंड इलेक्ट्रिक करेंट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, आन इसमें देखा जानते हैं कि एसीडिक सल्यूशन जो होता है कितना एफिसियंटली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है वो किसकी वजह से होता है उसमें जो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन पा जाता है द एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन टू कंडक्ट ए करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एबिलिटी होती है किसी करंट को कंडक्ट करने की एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग होता है पीएच मीटर प्रिंसिपल को समझने का पीएच मीटर क्या होता है मीज़र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजिंग टू इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इनटू द लिक्विड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सर्किट पीएच मीटर क्या करता है मीजर करता है मापने का काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिसमें आप दो इलेक्ट्रोड को लिक्विड में इस तरीके से लिक्विड रहेगा उसमें दो इलेक्ट्रोड को ठीक है आप क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड अ रेफ्रेंस इलेक्ट्रोड इसमें से एक को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं विल कंटेन अ सबस्टांस विथ नोन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक सब्सटांस अपने अंदर रखता है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होता है पता होता है कि कितना इसका पोटेंशियल है और जो अदर वाला होता है उसको क्या कहते हैं नोन विद एज अ सेंसर इलेक्ट्रोड उसको वो भी नोन होता है लेकिन उसको सेंसर इलेक्ट्रोड कहते हैं विल बी इंसर्टेड इनटू सॉल्यूशन बीइंग टेस्टेड जिस सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाना है उसके अंदर उसको हम डालते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिफरेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम कंपेयरिंग देयर रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका रिजल्ट होता है जब दो रेफरेंस को हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोड टू द सेंसर इलेक्ट्रोड जब एक हमने जो इलेक्ट्रोड पहले लिया था कौन सा वाला आपका ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं सेंसर इलेक्ट्रोड के साथ तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पता चल जाता है तो पी मीटर का काम क्या होता है बेसिकली पी मीटर पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने का काम करता है तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको इसके बारे में दी है ठीक है पीएच मीटर मैंने आपको बताया नहीं था तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया राइबोसोम राइबोसोम मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि क्या होता है राइबोसोम ठीक है कहाँ से सिंथेसिस होती है कितने टाइप का होता है क्या फंक्शन करता है सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है नेक्स्ट आर एन स्प्लाइसिंग आर एन स्प्लाइसिंग मैंने आपको बताया है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मोटि में आप क्या करते हैं आर की स्प्लाइसिंग करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज़ क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है ये भी मैंने बताया है रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीट्यूड दो देखते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी छोटी चीज़ को कितना बड़ा करके देख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो चीज बीचों दो चीज़ों के बीच में कितना ये लाइन जो डिफरेंस ऑफ लाइन है ये क्या है इसको देखना रिजॉल्विंग पावर कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है सारा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप जाएंगे बीएससी थर्ड सेम का बीएससी थर्ड सेम जुलॉजी आप डालेंगे बायोवर्स टू पॉइंट ओ प्ले लिस्ट डाल दीजिएगा बगल में तो आपको पूरा प्ले लिस्ट ही बी एस सी थर्ड सेम का मिल जाएगा ठीक है सेक्शन बी क्या है सेक्शन बी इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है आपके इसमें फोर सेक्शन इस सेक्शन में फोर क्वेश्चन हैं उसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फिफ्टीन मार्क्स का ये क्वेश्चन है ठीक है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं बस एक क्वेश्चन आपको करना है जिस भी यूनिवर्सिटी का ये है और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग हो क्वेश्चन का पूछने का तरीका पहला क्वेश्चन व्हाट इज जेनेटिक कोड डिफाइन जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड मैंने आपको बहुत बताया है बहुत डिटेल में क्या होते हैं 64 टाइप्स के जेनेटिक कोड होते हैं ठीक है और उनके कैरेक्टरिस्टिक आपको डिटेल में बताने हैं कि उनके कैरेक्टर्स क्या हैं डिटेल में ठीक है एम होता है यूनिवर्सल होता है ये सारे कैरेक्टर्स हैं उनके उसके बारे में बताना है ठीक है स्टॉप को डाउन कौन सा है और स्टार्टिंग को डाउन कौन सा है आपके एम्यूनो एसिड के कौन कौन सा कोड करता है ठीक है क्यों सिक्सटी फोर सब कुछ मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ ओपेर ओपेरॉन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है डिस्क्राइब लैक ओपेर मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ई कोलाई ठीक है तो ई e. कोलाई जो है आपके यू ई कोलाई e. के बारे में आपको उसका लैक ओपेरॉन मॉडल बताना है ठीक है ट्रिप्टोफोन ओपेरॉन मॉडल और लैक ओपेरॉन मॉडल दो मॉडल है इसमें आपको ई e. कोलाई में पाया जाने वाला लैक ओपेरॉन मॉडल बताना है जो कि मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पूरा डिटेल मैंने बताया है, आपका डीएनए से आरएनए का बनना इस प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ये प्रोसेस तो आपको प्रोकैरियोट कैरियाट में बताना है तो मैंने आपको दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट याद रखिएगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में बताया है प्रोकैरियोट में होता है तो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं जब यूकैरियोट में होती हैं तो कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और कुछ प्रोसेस इसके न्यूक्लियस में होता है ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं और यहाँ आपको प्रोकैरियोट का बताना है या आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कुछ चीज़ों पे जैसे कि इसमें से पहला है यूबी क्यूटिनेशन ऑफ प्रोटीन तो यूबी क्यूटिनेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि यूबी क्यूटिनेशन क्या होता है प्रोटीन का प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना यूबी क्यूटिन करना प्रोटीज प्रोटीज़ के द्वारा होता है इसका डिग्रेडेशन वो पूरी मैंने मशीनरी आपको बताई है ट्वेंटी सिक्स से बनता है ये ठीक है दूसरा है मॉलिकुलर चैपरॉन्स मॉलिकुलर चैपरॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है ठीक है नेक्स्ट uh, है मोलिकुलर uh, चैपरास का काम होता है थो, थोड़ी सी बात बता दूं कि ये प्रोटीन की फोल्डिंग में प्रोटीन को फोल्ड करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग सेक्शन सी की बात की जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है ठीक है सेक्शन में आपको फिर से फोर क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से केवल और केवल आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फिफ्टी मार्क का होगा पहला क्वेश्चन की बात करूं पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्क्राइब प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है ठीक है प्रोसीजर क्या है कैसे उसको करते हैं मतलब किसी चीज़ का को कोई उद्देश्य होता है प्रिंसिपल होता है सिद्धांत होता है उसको करने का फिर प्रोसीजर कैसे कैसे उसको करेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है और केवल एक आपको बताना पेपर क्रोमेटोग्राफी जो सबसे इजी वे है क्रोमेटोग्राफी का जो आप खुद लैब में करते हुए मैंने किया था वाट्समैन पेपर होता है एक इस तरीके का अगर मैं कहूँ आपसे इस तरीके का एक वाड्समैन पेपर होता है और जिस चीज़ को हमें चेक करना होता है वहाँ ऐसे नीचे हम लाइन बना के उसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं ए बी सी और उसी को हम प्रोसेस के थ्रू चेक करते हैं ठीक है एप्लीकेशन क्या है सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है फिर मैं अगर बात करूँ वाट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो पी इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पी और आर टी पी दोनों आपको पढ़ना है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसी चीज़ की कॉपी बनाने के लिए ठीक है हम इसका यूज़ करते हैं डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस इसका प्रोसेस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है सब कुछ मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर एट पूछा है डिफ्रेंसिएट बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों लाइट स्क्रोपेक्ट्रॉन सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है उसका आपको प्रिंसिपल बताना है वर्किंग, वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसीजर किसका बताना है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ठीक है और अप्लीकेशन उसका बायोलॉजिकल पहले आपको डिफरेंस बताना है कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो आप इसको जस्ट एक पेज पे बता सकते हैं कि ये रहा लाइट एक तरफ लिखिए एक तरफ इलेक्ट्रॉन और मैंने आपको डिफरेंसेस का दिखाया है और यहाँ आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं फिर आपको वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और इसका बायोलॉजिकल साइंस में एप्लीकेशन क्या है जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि ये, ये वाली यूनिट मैंने आपको अभी तक नहीं कराई है अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगी इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं ज़रूर करा दूंगी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको बताना है प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड अपल्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विथ सुटेबल डायग्राम स्ट्रक्चर प्रिंसिपल और वर्किंग और अपल्लीकेशन वर्क वर्क कैसे करता है और अपलीकेशन बताना आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सुटेबल डायग्राम के साथ डायग्राम तो मैंने ऊपर भी सारे आपको बताए हैं uh, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करना है वैसे आपके पास चार ऑप्शन था तो मैंने तीन आपके ऑप्शन फुलफिल कर दिए हैं जो आप कर सकते हैं मेरी ही वीडियोज़ को केवल देख के और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई हैं तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू एवरी